नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SDNR क्लासेस पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम आपके जीएसएस के बारे में बताएंगे, तो चलिए आज हम आपको जीएसएस के बारे में बताते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म है ग्रिड सबस्टेशन। दोस्तों, ये जो जीएसएस है वितरण प्रकार का जीएसएस है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जीएसएस। वितरण यानी जो सप्लाई को बांटना वितरण प्रकार का जीएसएस। दोस्तों, जीएसएस के अंदर जो इनपुट सप्लाई है वो है 33 केवी, और इसका मेन कार्य है 33 केवी को 11 केवी में चेंज करके डिस्ट्रीब्यूट कर अलग अलग एरिया में उससे वितरण करना। मान लीजिए पूरे गांव का ये जीएसएस है, गांव में जितने भी एरिया हैं उन्हें एरिया वाइज सप्लाई को प्रदान करना 11 केवी में। आपने पिछली वीडियो में ट्रांसफार्मर देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखा। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई जाती है वो यहीं जीएसएस से जाती है। आप लोग घर के आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर देखते हैं, जितने भी छोटे बड़े ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, थ्री फेज, जो आप अपने एरिया में देखते हैं, उनमें जो सप्लाई जाती है वो यही जीएसएस से सप्लाई जाती है। दोस्तों, इस जीएसएस का काम है 33 केवी को 11 केवी यानी 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में चेंज करना और उसे वितरित करना, स्विच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी इनपुट से। तो इधर देखिए आप लोग, आपको ये टावर दिख रहा होगा। इस टावर के जस्ट ऊपर आप देखिए, ये जो इसकी सप्लाई है, थ्री वायर आपको दिख रही होगी, थ्री फेस। तो ये है 33 केवीए इनपुट लाइन, आप लोग देख लीजिए। 33 केवी इनपुट लाइन इसमें यहाँ पर आती है, और यहाँ पे आपको दो वायर दिख रही होगी। दोस्तों, इसमें जो एक वायर है वो आती है यहाँ जीएसएस के अंदर, और जो दूसरी वायर है इस 33 केवीए को बाईपास करने के लिए, यानी कि ये जो लाइन है दूसरे जीएसएस में भी जाएगी। ये जो 33 केवीए लाइन है आगे वाले जीएसएस में भी जाएगी। तो ये जो डबल लाइन इसीलिए है, एक लाइन हमारे जीएसएस के लिए और दूसरी लाइन है इससे आगे वाले जीएसएस के लिए बाईपास करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो 33 केवी लाइन है हमारे जीएसएस में आती है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आती है, आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहां से आपको मैंने इनपुट दिखाई थी वहां से वो इनपुट अंडरग्राउंड से होते हुए आती है सर्वप्रथम यहां पर। ये आप देख लीजिए, यहां पर आती है, और ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ये है OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। आपने बुक्स में क्वेश्चन पढ़े होंगे OCB के बारे में, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB। आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले वहाँ से लाइन आई इनपुट साइड से, और यहाँ पर आई OCB के अंदर, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये GSS का मेन मुख्य सर्किट ब्रेकर है, मेन सर्किट ब्रेकर है। अगर अपन को पूरे जीएसएस की लाइट स्विच करना हो, लाइट काटनी हो, कट करना हो, कंट्रोल करना हो, तो हम इस स्विच से, मेन ब्रेकर से इसे ऑफ कर सकते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। आ जाइए, ये देखिए, इस पे लिखा भी हुआ है मेन ब्रेकर। ये जो ब्रेकर है जीएसएस का मेन ब्रेकर है। आप लोग ऊपर की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए, जो आपको ये इंसुलेटर दिख रहे हैं, ये पोस्ट इंसुलेटर होते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए इसका सरफेस, ये इसका मेन फेस है। यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मेन स्विच, इसे कह सकते हैं OCB। इसके बाद में जस्ट बाद में सप्लाई जाती है हमारे मेन ट्रांसफार्मर को, जो कि 33 केवी को 11 केवी में चेंज करेगा। तो चलिए उसे भी देखते हैं।
ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ से OCB से होते हुए ये लाइन आती है यहाँ पर मुख्य बस बार पर, मेन बस बार पर ये लाइन आती है। तो ये है दोस्तों मेन बस बार, और यहाँ से ये जो बस बार है पैरेलल में कनेक्ट है यहाँ से सेम टू सेम। तो दोस्तों ये OCB से लाइन आई, OCB से लाइन आते हुए मुख्य बस बार में आई, और बस बार में आने के बाद में ये हमारी लाइन जाती है ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर से जस्ट पहले एक और आपको स्विच दिखेगा, ये भी है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये है ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो भी OCB थी, ये भी OCB है, बट दोनों में फ़र्क इतना है कि वो जो OCB आप देख पा रहे हैं वो है मेन OCB यानी कि मेन स्विच GSS का, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर की मेन स्विच, मेन OCB। मान लीजिए हमें पूरे GSS की सप्लाई को नहीं ट्रिप करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर को ट्रिप करना है, ट्रांसफार्मर को ऑफ करना है, स्विच करना है, तो हम इस OCB को ऑफ करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये जो लाइन है पैरेलल में जुड़ी हुई है यहाँ पर, ये इसका सेक्शन चलता रहेगा, ये सेक्शन इसका बंद नहीं होगा, ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ यही सेक्शन इसका बंद होगा। आप लोग देख लीजिए, दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। अब देख लीजिए दोस्तों ये OCB यहाँ से सप्लाई निकलते हुए हमारे जाती है ट्रांसफार्मर में, आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर से आप लोग संक्षिप्त में देख लीजिए इसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से इनपुट सप्लाई आती है, इनपुट सप्लाई आने के बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं OCB मेन OCB ये है यानी कि GSS का मुख्य स्विच है, उसके बाद में ये यहाँ पर बस बार से कनेक्ट होती है और पैरेलल में एक और लाइन है, हालांकि ये अभी चालू नहीं है लाइन, बट हमें सिर्फ एक ही यूज की जा रही है, और यहाँ से एक आई एक और OCB जो सिर्फ किसकी है ट्रांसफार्मर की इसकी। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट की, ट्रांसफार्मर के आउटपुट आपको पता है 11 kV होती है, और ये जो 11 kV है यहाँ से इसकी आउटपुट की जाती है। अब आप लोग को यहाँ पर दो वायर दिख रही होगी, अंडरग्राउंड केबल जो है आपको दो दिख रही होगी, अब ये दो दोस्तों एक एक्स्ट्रा रखी जाती है, मान लीजिए एक वायर में कभी फॉल्ट आ जाए जो कि अंडरग्राउंड है, तो उसी समय दूसरी वायर को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं 11 kV लाइन पर। तो दोस्तों ये लाइन 11 kV में चेंज होने के बाद में ये जाती है मुख्य VCB के अंदर। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाइन आई, इनपुट 33 kV, सबसे पहले मेन इनपुट लाइन आई 33 kV, और 33 kV हमारी आई मुख्य OCB के अंदर, उसके बाद में मेन ट्रांसफार्मर की OCB, उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर, यहाँ से हमारी लाइन बनी 11 kV। अब ये 11 kV चलिए देखते हैं कहाँ जाती है, आ जाइए। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट हुई हमारी 11 kV वो यहाँ आई 11000 वोल्टेज यानी 11 kV इस ब्रेकर में आती है। अब दोस्तों ये है 11 kV का मुख्य ब्रेकर, आप देख पा रहे हैं मेन इनकमिंग 11 kV फ्रॉम 33 kV ट्रांसफार्मर, यानी कि ये जो ब्रेकर है ये मेन ब्रेकर है 11 kV का। अब ये ब्रेकर कौन सा है, 11 kV का मेन ब्रेकर है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB, आपने बुक्स में पढ़ा होगा VCB की फुल फॉर्म क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये 11 kV को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए।
तो दोस्तों ये वो लाइन है जो ट्रांसफार्मर से आई है और यहाँ से आते हुए इस मेन वीसीबी में आई है। ये वो मेन वीसीबी है जो 11 केवी को कंट्रोल। अब देखिए दोस्तों, इस मेन वीसीबी से आउटपुट निकलती है इन तीनों टर्मिनल से। यहाँ पर ये एक और बस बार है। ये बस बार कौन सी है? 11 केवी की बस बार। बस बार आप लोग समझ सकते हो कि सभी उपकरण को पैरलर में कनेक्ट करने के लिए बस बार का यूज़ किया जाता है। आप लोग देख लीजिए, ये मेन बस बार है 11 केवी की। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं, आगे बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर के आसपास आपको बहुत सारे ब्रेकर दिख रहे होंगे, जैसे कि ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है, ये भी सर्किट ब्रेकर है, ये भी सर्किट ब्रेकर है, इस तरह के सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वीसीबी। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेकर है मेन सर्किट ब्रेकर है, किसका? 11 केवी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और जितने भी इसके आसपास आप देख पा रहे हैं ब्रेकर, जितने भी इसके आसपास आप ब्रेकर देख पा रहे हैं वो सारे 11 केवी के डिस्ट्रीब्यूटर ब्रेकर है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो GSS है 6 एरिया को सप्लाई प्रदान करता है, ठीक है। तो हर एरिया के लिए अलग अलग VCB लगाई जाती है। तो देख लिए, जैसे कि ये है, इसके साथ पैरलर में कनेक्टेड ये है, इसके साथ पैरलर में कनेक्टेड ये है। मान लीजिए किसी एरिया के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है तो हमें उस एरिया की सप्लाई को कट करना है, तो हम उसी एरिया की VCB को ऑफ करेंगे, ना कि सभी VCB को ऑफ करेंगे। मान लीजिए इस पर वार्ड नंबर 1 है कनेक्टेड, इस पर वार्ड नंबर 2 है, इस पर वार्ड नंबर 3 है, इसी तरह से इस पर 4 है, उस पर 5 है। तो जिस वार्ड नंबर में, जिस एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर में या लाइन में फॉल्ट आया है उसी VCB को हमें ऑफ करना है, ना कि हम मेन VCB को ऑफ करेंगे। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो मेन VCB है, सॉरी, ये जो जितने भी स्विच आप देख पा रहे हैं इस मेन VCB से कनेक्ट है, ये इस मेन VCB के ऑफ करने से ये जितनी भी VCB है 11 KV की, ये सारी की सारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप सभी इस बस बार को देख लीजिए, ये बस बार सभी VCB से कनेक्टेड है और इसी VCB से आउटपुट जाती है हमारे ट्रांसफार्मर को, जो कि 11 KV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे एरिया में लगे होते हैं, उनको सप्लाई इन्हीं VCB से जाती है। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इस GSS को अच्छे तरह से देख लीजिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है अलग अलग एरिया की अलग अलग VCB होती है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक मेन VCB और बाकी अलग अलग एरिया की अलग अलग VCB, और इन्हीं VCB से सप्लाई जाती है कहाँ? मेन ट्रांसफार्मर को, जो हमारे घरों के आसपास में लगा होता है। इसी तरह से दोस्तों इसी मेन बस बार पर एक ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कनेक्टेड है, जो कि 11 KV का है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए ये ट्रांसफार्मर, और ये जो ट्रांसफार्मर है GSS का पर्सनल ट्रांसफार्मर है, खुद के GSS को सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा GSS का वर्णन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी वीडियो समाप्त नहीं होती है, अभी चलते हैं अंदर, चलिए। तो दोस्तों अब हम GSS के अंदर हैं। आप ये कंट्रोल पैनल देख पा रहे होंगे, तो जिस तरह से मैंने आपको बाहर बताया था कि जिस VCB को ऑफ करना है या फिर जिस सर्किट ब्रेकर को हमें ऑफ करना है, तो वो सब कार्य हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो वही उनकी जो स्विचिंग है हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि 33 KV है स्टार्टिंग, ठीक है। 33 KV को स्टार्ट करने के लिए या ऑफ करने के लिए हम यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसे ऑफ कर सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे किलो वोल्ट की रीडिंग यहाँ पर आ रही है, किलो वोल्ट एम्पियर, ये जो लगभग 33 के करीब करीब है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए।
और दोस्तों आपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जीसस के अंदर एक अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है, तो ये देख लीजिए, ये वो बैटरियां हैं जो इनके पैनल्स को चलाती हैं। ये जो पैनल है ये डीसी वोल्ट पर कार्य करते हैं जो कि 110 वोल्ट से अधिक होती है। तो ये इतनी हाई वोल्टेज डीसी बनाने के लिए इन बैटरीज का यूज़ किया जाता है। ये है हमारा बैटरी बैंक, आप लोग देख लीजिए, ये सारी की सारी बैटरी सीरीज में जुड़ी होती है क्योंकि हमें हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पूरे जीएसएस का वर्णन, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटिव कोई आपकी क्वायरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।